कथनानुसार मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कई बार देख चुके हैं, कई बार जान चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो ये नहीं कि बार बार सिलेबस डिस्कस करें, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट छूटा, क्वेश्चन छूटा, यहाँ हाँ हाँ बस हाँ ठीक है चलिए बिना सिलेबस के पढ़िए हमको याद। ठीक है, आपका जो पोर्शन है यहाँ पे सीटेड ट्रैक करने के लिए जो सबसे फोकसली आपको जिस चीज को पढ़ना है वो है टीचिंग। हाँ स्टार्ट है, ठीक है, शिक्षण। क्यों मैं सिर्फ शिक्षण कह रही हूँ, इसका भी रीजन आप जानते हैं क्या? एक तो आपका है पहला पोर्शन 30 नंबर का, वो मनोविज्ञान और शिक्षण दोनों का पोर्शन है, जिसमें 15 नंबर बाल विकास आएगा और 15 क्या बच्चा कैसे सीखता है, त्रुटि कैसे करता है ना, किस प्रकार से आपको कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी है वो। साथ ही साथ जो आपका अदर पोर्शन है, अगर 1-5 लेंगे तो क्या क्या आता है आपको पता है, लैंग्वेज 1 हिंदी मान लीजिए या इंग्लिश, लैंग्वेज 2 ठीक, फिर 2 क्या है ईवीएस आएगा और मैथ, ठीक है। इसमें सब में क्या है 15-15 नंबर आपके शिक्षण के हैं और 15-15 नंबर आपके सब्जेक्ट, तो ना तो सिर्फ आप सब्जेक्ट से पास हो सकते हैं और ना तो सिर्फ शिक्षण से पास हो सकते, इसीलिए यहाँ पे शिक्षण और सब्जेक्ट दोनों पढ़ना है। और इतना याद रखिए कि इतने शिक्षण पढ़ लिए तो पास नहीं होंगे, सारा शिक्षण क्या है अलग, मैथ का अलग, ईवीएस का अलग, लैंग्वेज 1 का अलग, लैंग्वेज 2 का अलग, अब कहेंगे भाषा का भी कैसा अलग है, तो वो भी अलग है, उसमें माइन्यूट सा आपका डिफरेंस होता है। अगर आप क्या कर रहे हैं 6-8 का दे रहे हैं तो भी अगर आप सोशल साइंस लेंगे ना या तो साइंस लेंगे, दो लेंगे ना, तो यहाँ मैथ साइंस आता है 50-50 और यहाँ सिर्फ सोशल साइंस आता है, इसमें भी आपका शिक्षण। तो हमें यहाँ पे क्यों दिया गया है शिक्षण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचर बनाने के लिए ये एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और अगर आपको आता बहुत है लेकिन आप बता नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन आपके अंदर वो ज्ञान नहीं प्रवेश करवा सकते या शिक्षार्थी तक उस ज्ञान को नहीं पहुँचा सकते, तो आपका आना बेकार है। एज अ टीचर आना बेकार नहीं होता, ज्ञान तो कभी बेकार नहीं, लेकिन एक शिक्षक के लिए यह बेकार है कि अगर मुझे आता है और वो चीज़ आपको नहीं आती, और ये यही प्रोफेशन है जो एक टीचर चाहता है कि जितना मुझे आता है उतना आपको है या उससे ज्यादा है, नहीं तो कोई भी किसी को पढ़ते नहीं देखता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं आदर्श व्यवसाय। तो हमें जो यहाँ पोर्शन पढ़ना है शिक्षण का, उसके लिए आपको मनोविज्ञान तो जानना ही जानना है, वो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर। अब आप यहाँ दिमाग में रखिए, अभी आपने एग्जाम नहीं दिया लेकिन आप ये मान के चले कि आप डेफिनेटली पास होंगे और आप टीचर बने, और अपने दिमाग में ये इन्वॉल्वमेंट रखिए आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान शिक्षण किया होगा, बीएड या बीटीसी, कितने लोग यहाँ बीएड के, चार बीटीसी, कोई भी हो शिक्षण कराया गया है ना, आपके जो शिक्षण की व्यवस्था होती है उसमें एक मंथ का या कितने कई ड्यूरेशन होती है, बीएड की अलग होती है बीटीसी की अलग। अब आपको बस दिमाग में किसको रखना है, बच्चों, और सारे ऐसे शिक्षण के जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ेंगे आपको कोई टफ नहीं लगेगा, बस आपके दिमाग में कौन होना चाहिए, बच्चा, अर्थात यहाँ पे अगर शुद्ध शब्दों में कहें तो बालक। अब देखिए, अब मैं यहाँ और कोई चीज नहीं, शिक्षण ही पढ़ा, लेकिन बालक को पढ़ाने के लिए पहले जिसको पढ़ाना है उसको जानना जरूरी, बालक क्या, ठीक है, तो बालक तो वैसे तो हम जानते हैं बालक क्या होता है, अरे आप सारी अवस्थाएं पढ़ेंगे, शैशवावस्था बाल्यावस्था, लेकिन यहाँ हम एज अ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो शैशवावस्था में आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, जो माँ बाप पढ़ाते ही तो है, अभी कहेंगे ना कि स्कूल में शुरू होता है, मतलब जन्म लिया शुरू शिक्षा, कहते हैं ना जन्म से मृत्यु, मृत्यु के बाद तक भी कई ऐसे धर्म है मानते हैं और कुछ कहते हैं क्या मृत्यु पे आपके ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ जो भी सीखने वाला है उसको एज अ स्टूडेंट या एज अ बालक रखेंगे, ठीक है, पहला तो ये कॉन्सेप्ट बालक है। अगर देखा जाए तो शिक्षा जो दी जाती है ज्यादा डिफिकल्ट 18 साल से जो बिलो होते हैं उनके लिए होती है, इसीलिए हम अवस्थाएं पढ़ते हैं। तो यहाँ जो भी आपका स्टूडेंट है, जो भी आप कैटेगरी के एग्जाम में बैठ रहे हैं 1-5 या 6-8, तो जिसका एग्जाम दीजिएगा उसी स्तर के बालकों को दिमाग में रखिएगा, सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों एक ही जैसा आपको लग रहा हो, देना दोनों है ना,
लेकिन देखिए उनके क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी लेवल ज्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ जो बालक है वो बाल्यावस्था का है और यहाँ पे किशोरावस्था का भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। यहाँ जो बच्चा है वो प्री स्कूल एज, जो आपकी आंगनबाड़ी होती है वहां का भी तो आता है, इसलिए थोड़ा बहुत हमको शैशवावस्था में जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कहाँ से चल के किस किस स्टेज से आया और अभी कैसा है, अगर यहाँ बैठा है या खड़ा है या चिल्ला रहा है या रो रहा है या गा रहा है, घर जाने के लिए रो रहा है, क्यों रो रहा है। अगर आप उस बालक को ही नहीं जानेंगे तो उसका शिक्षण कैसे करेंगे, क्योंकि शिक्षण का अर्थ सिर्फ सिखाना नहीं होता, सीखना व सिखाना। पहले तो दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको यहाँ ये नहीं कहेंगे मैं आपको ये शिक्षण पढ़ाऊंगी, या हम कहते हैं कि हम आज शिक्षण का अध्ययन करेंगे, एज अ टीचर हमेशा ये सेंटेंस यूज करते हैं ना, एज अ टीचर हम क्या करेंगे, शिक्षण का अध्ययन करेंगे यहाँ, तो हम आपके साथ सीखेंगे और सिखाएंगे, आप हमको सिखाएंगे हम आपको, यहाँ हम कभी नहीं कहेंगे कि सिर्फ सिखाना होता है। तो सीखना किससे है, आपसे सीखना है, तो जब यहाँ पे आएंगे तो इनसे भी सीखना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये जो करंट एनवायरनमेंट होता है, तात्कालिक जो आपकी व्यवस्था होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है। आप सब जानते हैं बाल्यावस्था का, इतने साल में इतने शब्द, इतने साल में ऐसी एक्टिविटी, इतने साल में इतना समाजीकरण, लेकिन वही पर्यावरण वातावरण बदल जाने पर एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफर हो जाता है। तो हमें पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना है, बच्चे के कहाँ से कहाँ तक आया, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, इसी में पेरेंट्स मीटिंग कराते हैं, उसके अलावा कौन से एनवायरमेंट से आया, कास्ट भी लिखते हैं, उसका कुछ इफेक्ट नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं कि वास्तव में बालक की पृष्ठभूमि कैसी है और हम किस प्रकार से उसका ग्रोथ करा सकते हैं। क्योंकि शिक्षण का अगर एक उद्देश्य अगर आप जानेंगे तो वो होता है सर्वांगीण विकास, अगर एक लाइन में आप कहेंगे क्या चीज, सर्वांगीण विकास, ठीक है। अब धीरे धीरे, अभी शुरू नहीं है, इंट्रो है, अभी बहुत लंबा क्लास चलेगा, एक एक पॉइंट बताऊंगी, एक एक चीज पे बताया जाएगा, मैम पढ़ाएंगी हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ अभी आपको एक माइंड मेकअप करना है कि आपको यहाँ फील हो कि आप एक टीचर हैं, यहाँ मेरे स्टूडेंट बन के नहीं बैठेंगे, अगर मैं यहाँ कुछ पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग में वो बच्चा होना चाहिए जिसको हमको पढ़ाना है। अगर आप शैशवावस्था पढ़ रहे हैं तो आप फील करिए, यही तो होता है शिक्षण, एक टीचर स्टूडेंट को फील कराता है कि हम जैसे अपने सामने देख रहे हैं कि हाँ सही में, आपके घर में नहीं होगा बगल के घर में होगा, आप यहाँ से पढ़ के जाइए तो जाइए देखिए स्कूल में आपके आसपास जो चलते होंगे, देखिए किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं, उसमें दिया है ना बालक कैसे सीखता है, तो जरा अध्ययन करिए खुद से, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ कुछ हमको जो बताने की जरूरत है वो है उनके पीछे कौन से कारण, बाकी चीजें सारी प्रैक्टिकल और सीटेट के ज्यादातर प्रश्न क्या आते हैं, प्रैक्टिकल एनवायरमेंट में आते हैं, जो परिस्थिति होती है उस पर निर्धारित होती है। उसमें पूछता है ये कंडीशन है, बालक बार बार शोर कर रहा है, बार बार आप चुप करा रहे हैं, क्या करेंगे, तो ऑप्शन आपका रहेगा, आप उसे मारेंगे, क्लास से बाहर कर देंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, या उससे पूछेंगे क्या समस्या है, अलग से उसकी काउंसलिंग करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है कि हम निदान वो परामर्श करेंगे उसके साथ, वास्तव में क्या काउंसलिंग जो होती है उसमें क्या समस्या को समझने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपके इससे रिलेटेड आते हैं, चाहे किसी भी पोर्शन में आए, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है शिक्षण, उसका अर्थ आपने क्या सीखा, सीखना और सिखाना, ये सब जानते हैं। बहुत सारी डिफिनेशन आप बहुत टेक्स्ट बुक होंगी ना आपकी, डिफिनेशन की हम मत बात करें कि हाँ इनके अकॉर्डिंग बताएंगे ये है, इनके अकॉर्डिंग है, वो सब आपको मिल जाएगा, वो भी आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। यहाँ हम वो चीज़ें देखेंगे जो हमें समझने योग्य होंगी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, चले आप शुरू करते हैं। अब बात आती है जो शिक्षण की, तो दिखता तो एक शब्द है लेकिन इसके बहुत सारे डोमेन, बहुत सारे क्षेत्र, मतलब एक तरह की एक केकड़े की तरह इसके बहुत सारे पैर हैं, तो केकड़े के पैर होते हैं ना ज़्यादा, इसके बहुत है, मतलब क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत सारे पार्ट हों, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं हाँ टीचिंग बस क्या पढ़ा दो, कहना बहुत आसान है लेकिन कैसे पढ़ाओ, किस प्रकार से पढ़ाओ, अर्थात हमें ये देखना है किसको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें क्या सुधार करना है,
कैसे हम समायोजन करेंगे, कैसे बालक समायोजन करेंगे, और इसके बाद एक ही उद्देश्य, बालक का सर्वांगीण विकास। अगर इतनी बातें आपके दिमाग में है तो कोई भी शिक्षण आप उठा के उसका प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और प्रैक्टिस की जो बात है तो आपके पास प्रैक्टिस सेट होंगे, आप लगातार सॉल्व करते रहिए जो भी है ना। हर चीजें यहाँ पे क्लास में आपको क्या करा जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट है आप सॉल्व करते रहिए। शुरू में देखिए और पढ़ने के बाद देखिए कितना चेंजिंग आता है। दूसरी बात ये कि अब हम देखेंगे कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है इसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो जॉन डीवी का जो आपका त्रिध्रुवी उन्होंने प्रक्रम बताया याद है, बालक पाठ्यक्रम शिक्षण, हाँ, शिक्षक शिक्षार्थी ये पाठ्यक्रम, ये नहीं संकुचित सिलेबस की बात नहीं करी, वो पाठ्यचर्या की बात की जाए, मतलब ब्रॉड ऑल है, करिकुलम की बात कर, ठीक है। ये जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताई, किसने बताई, जॉन डीवी ने। पहले द्विध्रुवी आई, एक ध्रुवी आई, वो फिर इससे भी ज्यादा भी आई है, लेकिन फोकसली हम इसको जानते हैं, इसलिए ऐसी चीजों का यहाँ अध्ययन करेंगे जो हम पहले से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इन्होंने बताया, तो माना जाए कि एक शिक्षण व्यवस्था इस तीन ध्रुव में क्या होती है, समावेशित होती। क्या ऐसे संभव है? संभव तभी है जब इस पाठ्यक्रम का जो रिलेशन है वो किससे हो, समाज से। ये जॉन डीवी ने ही कहा कि पाठ्यक्रम किससे रिलेटेड होगा, समाज से। वो समाज क्या बनाता है, वातावरण। अर्थात शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वातावरण। किसके लिए शिक्षण, अगर बोले कि शिक्षण किया किसके लिए जाता है, तो जो शिक्षण जिनके लिए किया जाता है, जिनके लिए हम पढ़े, जिनके लिए आप पढ़े, जिनके लिए आपको जॉब दी जा रही है, वो सब क्या है, बालक। क्योंकि कौन सी शिक्षा व्यवस्था है, बाल केंद्र, सब कुछ क्या है, बालक। लेकिन बालक को शिक्षित करने के लिए जो शिक्षण करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण टर्म आपका वातावरण होता है। साथ ही साथ एक टर्म और होता है, ये सब अभी पढ़ेंगे, क्या, वंशानु। क्यों? क्योंकि ये बालक के विकास को भी प्रभावित करता है। इनके बीच अंतर्क्रिया करके बालक आता है आपकी कक्षा में, अब सिर्फ टीचर रह गया, घर वाला मोमेंट छोड़ दीजिए। क्या होता है, बालक आपके कक्षा में जब प्रवेश करता है तो एक तरह से आपका मानस पुत्र, आपको उसको मानना चाहिए, जैसे कि क्या, आपका स्टूडेंट नहीं, आपका बच्चा है। जैसे आपकी और मेरे एज में भले कम डिफरेंस हो, ज्यादा डिफरेंस हो, लेकिन एज अ टीचर आप मेरे लिए वही स्टूडेंट है कि एक जनरेशन की पूरी क्या है, गैपिंग है। ये नहीं कि भैया और दीदी वाला रिलेशन है, कि मतलब आप कहें, यहाँ पे एक गुरु जो होता है, एक जनरेशन के गैपिंग का आपको होना चाहिए, क्योंकि आप उनके विकास के लिए वो कार्य कर रहे हैं जो एक अभिभावक करता है। अर्थात एक शिक्षक यहाँ कैसा कार्य करेगा, अभिभावक के। ये सब टर्म आपको ऐसे लग रहे होंगे, जानते सब है, लेकिन यही सब टर्म को मिला के ही प्रश्न बनते हैं। अभी आपको नहीं, जब आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस पेपर जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ही शब्द आपको दिखेंगे, एक एक चीज यहाँ समझा जाएगी। अभी बस क्या है, आपको बैकग्राउंड दिया जाए कि आपको पढ़ना क्या, फिर आप जानिए कि शिक्षण में और क्या क्या चीजें होती है। तो आपने देखा पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाना है, तो ये पाठ्यक्रम होता है, इसमें अगर आप देखें कि दो टर्म होता है, एक जो सिलेबस जैसा ये, और क्यूरिकुलम क्या होता है, जिसमें ये भी होता है और पाठ्य सहगामी क्रिया भी होती है। दोनों में डिफरेंस है ना, सिलेबस और क्यूरिकुलम में दोनों में क्या है, डिफरेंस है, दोनों अलग है। यही यहाँ पे बता रहे, हर चीज जानना है वो अलग से पढ़ाई जाएगी। मैं बस आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ कहीं देखे रहेंगे, जब दोबारा वो शब्द आएगा ना, अरे देखा था। अभी जब ऑब्जेक्टिव बताऊंगी उसमें ज्ञान बोध अनुप्रयोग, तो आपको लगेगा हाँ ऐसे ही तो पढ़ाते हैं, कि हाँ दोबारा देखें तो याद आ जाए कि हाँ ये कहीं देखा था। ऐसी कोई चीज आपके सामने ना आए कि आपने आज तक देखा ही, ठीक। तो ये जो पाठ्यक्रम यहाँ पे जो कहा गया है, वह पाठ्यक्रम है जिसमें पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है और साथ ही साथ क्या है, पाठ सहगामी क्रियाएं, जैसे योगा कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, एनएसएस कर रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, गेम हो रहा है, ये सब भी क्रियाएं इसमें आती है। और किससे रिलेटेड होती है, वो पाठ्यक्रम से। यहाँ जॉन डीवी के अनुसार ये पाठ्यक्रम किससे रिलेटेड है, समाज से।
अगर आपके अंदर सामाजिक भावना नहीं रहेगी तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। क्यों? कहते हैं ना विद्यालय समाज का लघु रूप है, यहाँ हर एक समुदाय से कोई ना कोई बैठा हुआ और यहाँ से वो उस समुदाय में जाएगा और जो यहाँ से आप पास करेंगे वो वहाँ पास करेंगे। सही तो सही, गलत तो गलत। एक शिक्षक क्या होता है? मशाल की तरह होता है। चाहे तो वो पूरे देश को रोशन भी कर सकता है और चाहे तो पूरे देश को जला के खाक भी कर सकता है। दोनों चीज जानते हैं। आपकी एक मतलब आपने अगर एक गलती की, हो सकता है वो किसी की जिंदगी बर्बाद करे। ऐसा होता है ना, कई ऐसे संदेश होते हैं, कोई ऐसा हतोत्साहित कर देता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना। आप ऊपर नीचे कर रहे हैं कि हाँ बहुत तेज है, तुम्हें कुछ नहीं आता, यहाँ भी कर रहे, पता चला घर पे भी हो रहा है, पता चला बाहर भी हो रहा है, जाके क्या एग्जाम का रिजल्ट आया बोर्ड का, देखते तो हैं। अच्छे अच्छे घर के बच्चे क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या आपका आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आपके कक्षा में बैठने वाला हर बच्चा ऐसा माइंड मेकअप कर ले कि उसको सफलता और असफलता की वास्तविक मीनिंग पता चले कि एग्जाम में फेल होना असफलता नहीं। क्या बहुत सारी चीजें हैं जो आपके यहाँ पे आई। अब हम इस एक टॉपिक है आपका, उसका अध्ययन करेंगे, पहले उसकी भूमिका देखते। अच्छा, हम यहाँ क्यों आए, मतलब आप यहाँ क्यों आए कक्षा में? सीटेड शिक्षक बनने आए। हाँ, ये एक उत्कृष्ट आंसर है, लेकिन वास्तव में जो है सीटेड के लिए आए, है ना। मानना यही चाहिए कि आप एक शिक्षक बनने आए हैं, लेकिन ऐसे बोला जाए तो कह सकते कि हाँ आप सीटेड के लिए यहाँ पे कोचिंग करने आए। तो ये आपका आना क्या है, आपका क्या है? अरे पूर्व ज्ञान निकालिए, कैसे जोड़ू आगे का ज्ञान, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़े। आप नहीं बताएंगे तो बच्चों को तो ऐसा बताना है। जैसे आप अपने घर से यहाँ तक अगर अपना टाइम निकाल के पैसा लगा के आ रहे तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या है, उद्देश्य है। और सीटेट क्वालिफाई करना आपका क्या है, लक्ष्य है। ये है मेजर डिफरेंस, हम दोनों को एक समझते। घर पहुंचना आपका लक्ष्य है, लेकिन अगर घड़ी देख रहे हैं और बोला गया 6 बजे से पहले घर आ जाना नहीं तो बाहर रहना, तो 6 बजे तक घर पहुंचना क्या है, उद्देश्य। जैसे आपको सीटेट पास करना ही है, लेकिन इसी बार पास करना है किसी भी हाल में, तो वो आपका क्या है, उद्देश्य। तो यहाँ शिक्षण करना है तो उसके भी क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। वही उद्देश्यों का हम आज अध्ययन करेंगे। उसके पहले कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, मैं तो उसके आगे बताऊँ। कोई प्रॉब्लम? जो एक्सटर्नल पॉइंट्स होंगे आपके बाह्य बिंदु, ऐसे टॉपिक जो आपको लगे बहुत डिफिकल्ट है, वो आप अलग से कलेक्ट करिएगा, एक एक क्लास उस पर चलेगी, है ना। जैसे पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का हो सकता है, उसका ही नहीं कई लोगों का, तो उसके लिए मत घबराइए। पहले आप पूरी चीज़ें पढ़ लीजिए एक साइड से, कोई बिंदु ना छूटे, उसके बाद हम उसके आगे का अध्ययन करें। जब उद्देश्य की बात करें, मतलब कि हम इस कक्षा में क्यों आए, एक शिक्षक यहाँ पे क्यों खड़ा है, या मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, आपको लेक्चर क्यों दे, यही मेरा क्या होगा, उद्देश्य होगा, ठीक है। तो जो शिक्षण का उद्देश्य है, इसमें बहुत ही प्रसिद्ध नाम है आपका, सुना भी होगा, ब्लूम का। सुना हुआ है किसी ने? नहीं सुना, सबने सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, है ना, नाम तो सभी सुने रहते हैं। ब्लूम का नाम अगर सुना होगा तो अगर आपसे पूछे कि ब्लूम का नाम किस चीज से संबंधित है, कौन सी प्रक्रिया से, तो वो शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है। इन्हों ब्लूम की टैक्सोनॉमी आई क्या, टीचिंग ऑब्जेक्टिव की। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ब्लूम ने जो अपना सिद्धांत दिया वो शिक्षण के उद्देश्यों पर स्पेशली दिया, और उसमें भी क्या था, अगर ब्लूम को छोड़ दें तो शिक्षण के हमारे 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरा रिलेशन प्लान, याद करिए, बनाए होंगे, कोई और बनाया था कि मिल गया था छापने को, मिला तो होगा ही छापने, बिना देखे कहीं से भी अपने मन से, कोई नहीं मानता, हम तो पहली बार देखे थे कैसे बनता है तब बनाया।
मानिए, हम मान सकते हैं आप नहीं। जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप मानिए कि हम यहाँ है या पहली सीढ़ी पे है कि दूसरी सीढ़ी पे, हमें आपका स्तर अगर जब तक नहीं जानूंगी तो मैं उस स्तर पे जाके कैसे पढ़ाऊंगी। अगर हमें पता है कि आपको बहुत आता है तो मैं ऊपर से उड़ा दूँ। लेकिन यहाँ ऐसा भी स्टूडेंट है जिसका अभी ABC, ऐसे भी स्टूडेंट है जो क्लासेस नहीं कर पाते या कुछ दिक्कत होती, तो यहाँ सबको पास कराने का हमारा उद्देश्य। इसीलिए थोड़ा लंदी भी हो जाता है कि हाँ एक एक बच्चा समझे, कैसे उसको पढ़ाए, ये सब सारी चीजें। तो देखिए अगर शिक्षण के उद्देश्यों की बात करेंगे, उद्देश्य तो शिक्षा के उद्देश्य दूसरे हैं, शिक्षण के उद्देश्य दूसरे हैं। पहले तो ये डिस्क्रिमिनेट, शिक्षा के उद्देश्य सामाजिक नैतिक ये सब विकास करना, सर्वांगीण विकास मान लीजिए उद्देश्य, उसको छोड़िए। यहाँ हम शिक्षण की बात करेंगे। शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन से दो, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य आप अपने किसमें लिखते हैं, पाठ्य योजना में लिखते हैं ना। तो इसको लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इसको 3 कैटेगरी में लिखते हैं, 4 कैटेगरी में लिखते हैं, 5। याद आ रहा है, याद करिए, आप ही की चीज यहाँ पे बताने, कोई अलग से चीज नहीं। अब देखिए अंतर क्या है, हम बस इसको पॉइंट करते हैं, इसको हेडिंग लिखते हैं, इसलिए इसको सामान्य कहते हैं, इसको विशिष्ट क्योंकि इसमें हेडिंग है, यही है। तो क्या अंतर है, क्या अंतर है? सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य जानकारी, तो टॉपिक की सामान्य जानकारी में बालक को होगी तो सामान्य उद्देश्य। और विशिष्ट जानकारी कैसे आप बताएंगे ये जानकारी विशिष्ट है और ये जानकारी सामान्य, मुझे ये बताएं। कैसे आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे ना कि हाँ ये अलग है ये अलग है, ये सामान्य वाली जानकारी है या विशिष्ट वाली जानकारी। जैसे किसी चीज को बताइए पदार्थ और पदार्थ के प्रकार, फिर प्रकारों के डिफिनेशन, फिर उसके उदाहरण, तो क्या जो उदाहरण है जो पदार्थ के प्रकार है वो क्या है, विशिष्ट हो गया, और पदार्थ क्या हो गया, सामान्य हो गया। ऐसा नहीं, सामान्य मतलब सर्वमान्य, जैसे ऐसे उद्देश्य जो उस सब्जेक्ट के हर टॉपिक को फॉलो करें, जैसे ये विषय से संबंधित होता है और ये क्या प्रकरण से, जैसे हमें पढ़ाना है विज्ञान, तो कौन से उद्देश्य जो विज्ञान से रिलेटेड उद्देश्य होंगे, बालक की तर्क क्षमता का विकास करना, वो हर टॉपिक में सेम है, बालक की जिज्ञासा को और प्रबल करना उसकी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो विज्ञान से संबंधित होगा वो सामान्य उद्देश्य, और जो उस प्रकरण में मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं बल, तो बालक बल की परिभाषा बता सकेगा, बल के प्रकार बता सकेगा, बल का उदाहरण बता सकेगा, बल का प्रयोग कर सकेगा, आपको दो चप्पड़ मार भी सकता है, बल एग्जाम्पल दे रहे तो अनुप्रयोग नहीं करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो होंगे वो क्या होंगे, आपके विशिष्ट उद्देश्य होंगे। इतना क्लियर, बस एक मिनट ठीक है। आप देखिए अब ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी वो विशिष्ट उद्देश्यों पे दी, पहला तो ये आप दिमाग में, सामान्य उद्देश्यों पे नहीं। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है बहुत ज्यादा डिमांडेड ये टॉपिक था, बहुत लोगों ने बोला कि इसको पढ़ाना है। चलिए कल फिर से रिवाइज कर दूंगी, थोड़ा सा आप देख लीजिए। ब्लूम जी ने इसको 3 भागों में बांटा है। हाँ सब वीडियो देखिए गाले भी देते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक। उद्देश्य और कौन सा उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ विशिष्ट लिखने की जरूरत नहीं, हम उद्देश्य की बात करेंगे। तो ये किसके उद्देश्य, शिक्षण, ठीक है, किसके अनुसार, ब्लूम 1956 में ब्लूम ने क्या किया, उद्देश्यों को तीन, विशिष्ट उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक। इसके भी कई पार्ट किए, चलिए कल चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। इसको जो उन्होंने पार्ट किया, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भूल जाते हैं, बहुत बुद्धि कमजोर है ना। तो आपका जो संज्ञानात्मक पक्ष है तो क्या उसको उन्होंने 6 भागों में बांटा, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। 2001 में रिवाइज्ड इनकी टैक्सोनॉमी आई ब्लूम की, वो कोई नहीं बढ़ाता,
इन्होंने संश्लेषण को काट के मूल्यांकन को यहां कर दिया और सबसे नीचे क्या कर दिया, सृजन। वैसे जनरली जो हम पढ़े थे जो टेट में आया था, ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, लेकिन जो रिवाइज है उसमें संश्लेषण को हटा के मूल्यांकन, जब संश्लेषण हटा तो एक सीढ़ी चढ़ गया, मतलब एक सीढ़ी उतर गया, ये ऊपर का है। अरे बापरे, ये मत सोची गई सबसे ऊपर, सबसे छोटा है, इससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसको कट करके ये एक सीढ़ी उतर गया और इससे भी ऊपर इसका बाप आ गया, सृजन। अर्थात क्या, यहाँ पे इन्होंने कुल 6 भागों में संज्ञानात्मक पक्ष में पाटा। अब देखिए संज्ञानात्मक क्या है, भावात्मक मनोचारित, थोड़ा सा ले लीजिए। संज्ञानात्मक मतलब सिर्फ मस्तिष्क से जुड़ा जो क्रियाएं आपके मस्तिष्क में होती, भावात्मक आपके भावों से जुड़ा, आपके संवेगों से, आपके इमोशन से जुड़ा, क्या आप फील करते हैं, वो कौन से पक्ष, भावात्मक। मनोचालक आपके मोटर, जो आप क्रियाएं करते हैं, ड्राइव आपके अंदर होती है, जो क्रियाएं निकलती है, मनोचालक, जिसमें मन और चालकता दोनों, वो उद्देश्य कौन से होंगे, मनोचालक। अब इसमें इन्होंने जो ज्ञान का पोषण दिया, इसका मतलब सिर्फ यही था, ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं जो वास्तव में, ये ज्ञान का जो डेफिनेशन है वो जस्टिफाइड ट्रूथ एंड बिलीव, वो बोला गया, मतलब न्याय संगत जो आपका बिलीव, विश्वास होता है या सत्य होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान क्या है, जनरल आपकी सूचना है। हम कोई टॉपिक पढ़े, जैसे मान लीजिए पेड़, ठीक है, तो बच्चा पेड़ की परिभाषा, मान लीजिए इसको की परिभाषा या पेड़ के बारे में, बच्चा अगर सिर्फ पेड़ के बारे में बता ले जाएगा तो कौन सा ये उद्देश्य हुआ, ज्ञानात्मक उद्देश्य। याद आ रहा है, तीन तो लिखते थे आप लोग, उसके बाद तो सब छोड़ देते थे, है ना। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या, बच्चा परिभाषा बता सकेगा, उसके बारे में बता सकेगा, रिकॉल कर सकेगा, पुनस्मरण कर सकेगा, ठीक है, उसका पुनरुत्पादन कर सकेगा, उसके 5-6 स्टेज होते हैं। तो ज्ञान मतलब ये स्मृति या सूचना, स्मृति या सूचना से रिलेटेड, मतलब हमें पता है कि ये क्या, कितने पार्ट है, मतलब हमें इसके बारे में जानकारी है। अगर हम समझ सके कि वास्तव में पेड़ क्या है, ठीक, जैसे हम देख रहे हैं, हाँ ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़, ये वास्तव में पेड़ क्या, ये जीवित है, ये भी श्वसन करता है ना, तो ये क्या हो गया, इसके बारे में बोध हुआ ना, तो ये बोधात्मक उद्देश्य। अब जान गए, इसकी लकड़ी से आप डेस्क बना रहे हैं, बेंच बना रहे हैं, उससे रबड़ निकाल रहे हैं, है ना, कागज बना रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैसे तो उसको काट के बहुत बड़ा पाप कर रहे, लेकिन बता रही हूँ कि वो सब बनाना क्या हो गया, अनुप्रयोग हो गया। अब इसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, पत्ती में छिद्र है, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में ये क्या करता है, भोजन बनाता है, ऐसे भोजन डायलम और फ्लोइंग, ये जो प्रोसेस है इसका, ठीक है, वो सब इसका मतलब एक एक पार्ट का इसके अध्ययन करना या उसके जो कंटेंट है उसका अध्ययन करना, वो विश्लेषण हो गया। विश्लेषण में क्या करते हैं, डीएनए आता है ना, उसमें एक पॉइंट का पूरा पोस्टमार्टम कर दे, वैसे क्या करना आपको भी यहाँ पे, अगर उस बच्चा करेगा ये, आप नहीं, आप तो कर ही क्या है भाई, शिक्षण कर रहे हैं तो आपको पता ही है ना, यहाँ बच्चा करेगा, अगर बता देगा ज्ञानात्मक, समझ लेगा तो बोधात्मक, और प्रयोग जान जाएगा, यूज जान जाएगा तो अनुप्रयोगात्मक, उसके पार्ट्स जान जाएगा, विश्लेषण कर लेगा तो विश्लेषणात्मक, जो संश्लेषण था पहले ये भी समझे, अब फैला दिया रायता, उसको समेट भी लिया, जैसे कि कई पेड़ों के समूह जंगल कहलाते हैं, है ना, ये पादप जगत का है, कहते हैं ना कई जगत होते हैं, हाँ, तो ये पादप जगत का होता है, तो ये सब अगर उसको ब्रॉडली, अगर जो बिखरा हुआ ज्ञान है उसको इकट्ठे करके एक मीनिंग दे दे, अर्थ दे दे, तो वो कौन सा आपको उद्देश्य हो गया, संश्लेषण। और बच्चा उसके गुण अवगुण जान पाए, मूल्यांकन कर दे पाए कि वास्तव में पेड़ क्या है, तो कौन सा है आपका, मूल्यांकन। अब इसके बाद भी कटा, तो जो सृजन आया, तो सृजन में ऐसे थॉट जो आज तक नहीं थे, क्रिएट करना, अगर बच्चा एक नवीन ज्ञान इसमें क्रिएट करे, ये भी चीज हो सकती है पेड़ के थ्रू, क्या हम ऐसे पेड़ को बचा सकते हैं, ये नई टेक्निक है, या हम इस प्रकार से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं पेड़ों के द्वारा, पेड़ लगा के, अगर ज्ञान का बच्चा सृजन कर ले तो कौन सा है ये, सृजनात्मक उद्देश्य कहलाता। तो ये आपका पहला डोमेन हो गया, कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें आपके ये पोर्शन थे, पहले संश्लेषण भी था, फिर बाद में संश्लेषण करके लास्ट में सृजन आगे। इतना आप पढ़ के आइएगा, इसके आगे मैं करता हूँ।